So hello, and once again welcome dear students. Good morning. कौन कौन है हमारे साथ अभी आप लोग? हर्षिता, कशिश, रितु, तमन्ना, त्रिक्षा. त्रिक्षा है ना? यस. कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चे दूसरे आईडी से ज्वाइन होते हैं, तो अगर आपका कुछ नेम डिफरेंट है तो आप यहाँ पे अभी मैसेज करो. ओके. नो. ठीक है. पहले इसके पहले जब हमने बात की थी सेशन वन में काफी डिटेल्स से अवंती के बारे में बताया था एंड ऑल दैट. उसमें क्या चीजें देखा था कि 12th के बाद कौन कौन से कोर्स है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका ना. इंजीनियरिंग बीटेक बीई होता है, डॉक्टर में या एमबीबीएस बीडीएस के अलावा बीएचएमएस बीएएमएस बीयूएमएस. साइंटिस्ट बनने के लिए क्या है, एक तो आईआईएसईआर कॉलेज बताया था और बीएससी एमएससी भी कर सकते हो आप. नर्सेस के लिए अगेन बीएससी नर्सिंग, आर्किटेक्ट के लिए बीआर और फिजियोथेरेपी या रेडियोलॉजिस्ट. इन सब पैरामेडिकल कोर्स के लिए, जैसे अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो बीएससी इन फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजिस्ट बनना है तो बीएससी इन रेडियोलॉजी. इस टाइप के कई सारे कोर्सेस हो गए, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं हम लोग. मूविंग फॉरवर्ड, तो अब एग्जाम कौन कौन से होते हैं इन सब एग्जाम्स कोर्सेस करने के लिए. एक तो एग्जाम्स के बारे में हमें देखना है. तो कितने एग्जाम्स होते हैं? सो ऑलरेडी इंजीनियरिंग के लिए एक होता है आपका बीटेक बीई. तो मेन जो एग्जाम होता है ना बच्चों, वो होता है जेई मेन. लेकिन ऐसा नहीं है कि जेई मेन ही अकेला एग्जाम है. जेई मेन के अलावा 5 और अलग अलग एग्जाम्स होते हैं. एक जोसा होता है, ठीक है ना. उसके अलावा बिटसेट के बारे में सुना आप लोगों ने, बिटसेट बिट्स पिलाने में जिसमें एडमिशन होता है. ये सब चैट पे आप लोग एक्टिव रहिए, आप ऑडियो में भी एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है ना. तो आप ऑडियो फीचर भी आप ऑन कर सकते हो, उससे भी बात कर सकते हो, ठीक है. तो एक तो बिट्स पिलानी, ठीक है. उसके अलावा क्या हो गया, बिटसेट. बिटसेट के अलावा और क्या है, आईआईएसईआर बताया हुआ था और आईएसआई एडमिशन. आईएसआई के बारे में कितने लोगों ने सुना है? हर्षिता, कशिश, हेलो रितु, हेलो तमन्ना, परीक्षा बताओ बच्चे. आईआईएसईआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च. सर नहीं सुना. अच्छा, आईएसआई एडमिशन टेस्ट के बारे में सुना है एनीवन? कशिश, रितु, हेलो, त्रिक्षा. आईएसआई एडमिशन टेस्ट, यस और नो? चैट, ऑडियो, कुछ भी बताइए आप. नो सर. तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये तो 11th के बाद होता है, अब तक तो आपको दे देना चाहिए. तो 5 और अलग अलग एग्जाम होते हैं, टोटल 6 एग्जाम्स होता है. और इन 6 एग्जाम्स में से आप कितने, पता है कितने कॉलेज आप कवर कर सकते हो? 120 ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ इस 6 एग्जाम से मिले. वो 120 कॉलेज कौन से है? अकेले 23 कितने होंगे? आईआईटी. 23 कितने हैं? आईआईटी. 31 एनआईटीज है, ठीक है. उसके अलावा वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो 4 है. बिट्स पिलानी जो है वो 3 है, जो बिटसेट एग्जाम होता है, ठीक है ना. 7 IISER ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 ISI इंस्टीट्यूट है और NDA का एक हो गया. तो टोटल 120 कॉलेजेस आपके लिए हैं. और उसमें अगर मैं सीट की बात करूँ तो अकेले IIT में लगभग, मैं तो टॉप IIT की बात करूँ, 10,000 सीट लिया हूँ. NIT की अगर हम बात करें बच्चों, आप लोगों का PCM है, तो लगभग 17,000 सीट्स हैं और टोटल NIT में, ओके. उसके अलावा VIT में लगभग 5,000 है, बिट्स में लगभग 3,000 है और ISI में बहुत ही कम है, लगभग 200 के आसपास सीटें हैं. NDA में 350 के आसपास सीटें होती है. और अगर मैं इसकी बात करूं, टॉप 100 कॉलेज हमने लिया है कि जितने भी इंजीनियरिंग के, अच्छा बताया था ना, और इसके बारे में आप लोगों ने सुना है, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जितने कॉलेज हैं आपके IIT का, NIT या इंजीनियरिंग या मेडिकल, इन सब के लिए एक रैंकिंग देती है. NIRF के बारे में सुना है? NIRF बताओ बच्चों, ये सर नो. किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर के, जैसे अगर आपको देखना है कि टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो आप गूगल में सर्च करो NIRF इंजीनियरिंग कॉलेज. अपने आप जो पहला लिंक आएगा ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो सीधे टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज आ. आपको देखना है कि फार्मेसी के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो सर्च करो NIRF और फार्मेसी इंस्टीट्यूट, या मेडिकल के लिए कर रहा है कोई भी स्टेप इंस्टीट्यूट. तो जो NIRF ने रैंकिंग दिया है, तो जो टॉप 50 कॉलेज है उसका हमने डेटा उठाया है,
कि जितने भी टॉप 50 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग करने के लिए और उन सारे इंजीनियरिंग का सीट हमने ऐड किया है तो लगभग 40,000 के आसपास है अपार्ट फ्रॉम आईआईटी एंड एनआईटी। आईआईटी में 10,000 हो गया, एनआईटी में लगभग 17,000 हो गया, तो 27,000 सीटें तो लगभग लगभग सिर्फ यही हो गया सिर्फ आईआईटी और एनआईटी मिलाकर के। और एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग जो टॉप 50 कॉलेज है अगर उसके रैंकिंग की हम बात करें तो लगभग 40-45,000 हो जाते हैं, तो कुल मिला के लगभग 70,000 के आसपास सीटें हैं एक पीसीएम लिए हुए बच्चे के लिए। और जो जेई या बिटसेट या फिर आपके आईएसईआर या आईएसआई या एनडीए ऐसे कोई एग्जाम देते हैं लगभग 84,000। तो 84,000 रैंक लाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा मतलब टारगेट नहीं है 84,000। ठीक है, लगभग 14-15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। उसी तरह डॉक्टर्स के लिए या जिस बच्चे ने पीसीएम लिया तो उसको तो ज्यादा डिटेल से डिस्कशन नहीं करूंगा कि आप लोग हुए नहीं, बट जिसने भी पीसीबी लिया है तो टोटल 4 अलग अलग एग्जाम्स होते हैं नीट के अलावा, नीट आईएएसईआर आईसीएआर एमएनएस होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये काफी अच्छा है। तो लगभग आपको लगभग कितने हैं 1,500 कॉलेज, 1,400 अलग अलग कॉलेज है जिसमें ये सारे कोर्सेस होते हैं और टोटल सीट्स की बात करूँ तो 1,40,000 हो जाता है। उल्टा है, पीसीबी बच्चों के लिए ज्यादा ऑप्शन है और साइंटिस्ट अगर बनना है तो एक तो सीयूसीटी भी नया आया है और काफी ये एग्जाम अब बड़े मास स्केल पे होने वाला है अगले मतलब साल से। और उसके अलावा सीयूसीटी के अलावा और क्या है, आईआईएसईआर ऑलरेडी बताया हुआ है, आर्किटेक्ट बनना ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हो कि बहुत ही इजीली आईआईटी में एडमिशन हो जाए तो उसके लिए बीआर कोर्स करो आर्किटेक्ट। 2-3 महीने जो जेई का एग्जाम होता है ना उसके पहले बस ड्रॉइंग की प्रैक्टिस कर लेना, ड्रॉइंग कर लिया, नाटक का एग्जाम दो और जोसा का एग्जाम दो, आराम से आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा कोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सीयूसीटी या आईपीयूसीटी, आप लोग दिल्ली है तो आईपीयूसीटी भी एक ऑप्शन है। सिलेबस कौन कौन से कवर होते हैं तो मोस्टली हम देखेंगे 11th 12th के बाद, डिटेल सिलेबस नहीं देखेंगे। जो हमने बताया जेई मेन बिटसेट एनडीए आईआईएसईआर इन सब में क्या होगा 11th और 12th दोनों रिक्वायर्ड, या जिस बच्चे ने पीसीबी लिया है नीट एम्स नर्सिंग आईआईएसईआर आईसीआर तो उसको भी क्या होगा 11th 12th दोनों रिक्वायर्ड। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका सिलेबस सिर्फ 12th होता है, सिर्फ 12th, और उसमें सबसे अच्छा एग्जाम कौन है सीयूसीईटी। इस साल देखो पहले क्या होता था ना कि डीयू का जो अगर आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कट ऑफ जाता था 97%, मतलब 94 अगर परसेंट है तो शायद ही तुम्हारा सिलेक्शन या एडमिशन डीयू में हो। तो गवर्नमेंट इसीलिए लेकर के आया है एग्जाम सिर्फ डीयू की वजह से नहीं कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, एमयू हो गया, इस तरह के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन के लिए अब एक कॉमन एग्जाम। और उसका रीजन ये भी था ना कि पहले 12th के मार्क्स पर एडमिशन होता था तो बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड में अपियर होते थे। अब वेस्ट बंगाल बोर्ड इतना टफ है ना कि 75-80% लाते लाते बच्चों की हालत खराब हो जाती है, 82% पे वहां पे टॉप कर जाते हैं। और सीबीएसई की बात कर लो या दिल्ली इन सब की बात कर लो या आईसीएसई की बात कर लो तो उसमें क्या होता है कि 90% तो कॉमन ही चल रहा है। तो अगर बोर्ड के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर हम एडमिशन ले लग जाए यूनिवर्सिटीज में तो वेस्ट बंगाल का बच्चा तो कभी ले ही नहीं पाएगा। उड़ीसा बोर्ड इतना टफ है 80-85% मतलब उनके अगर 85% आ गया तो स्टेट टॉप कर जाता है। तो उससे क्या नुकसान हुआ कि उड़ीसा का स्टेट टॉपर को भी डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो हुआ कि यार अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग सिलेबस भी, अलग अलग पैटर्न है, इन सबको हटाओ और एग्जाम लेकर के आए सीयूसीईटी। और आपको देखो अगर इंजीनियरिंग करना है आईआईटी एनआईटी से तब तो जेई ही देना पड़ेगा, या अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से अगर मेडिकल करना है तब तो नीट ही देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेस होते हैं, फार्मेसी होता है, आपको पैरामेडिकल कोर्सेस होता है, या इंजीनियरिंग के भी जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो फिर सीयूसीईटी है। और सिर्फ 12th का पेपर आएगा और मिडिल लेवल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ना कोई बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है नहीं। 12th के अगर ओके ओके टाइप अपने क्वेश्चंस कर लिया ना तो सीयूसीईटी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे, या आईपीयूसीटी में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, या नाटा जो एग्जाम होता है सिर्फ 12th का एग्जाम होता है। वीआईटी, इसमें एक वीआईटी भी मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, हालांकि है तो प्राइवेट कॉलेज, थोड़ी सी फीस ज्यादा है बट इंस्टीट्यूट काफी अच्छा है। और वीआईटी में 12th तो छोड़ो, इवन 12th का भी लगभग 60% ही पूछा जाता है। केमिस्ट्री में 6-7 चैप्टर है, मैथ्स में 5-6 चैप्टर है, फिजिक्स में 7-8 चैप्टर है, ऐसे बस। तो अभी भी काफी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं और ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें सिर्फ 12th के बेस में या 12th के आधे कोर्सेस पे आपका सिलेक्शन हो जाए।
तो डोंट लूज होप, 12th को आप अच्छे से पढ़ो, काफी ऐसे एग्जाम्स और ऐसे कोर्सेज के बारे में टाइम टू टाइम भी बताएंगे. ओके, सो एक पोल कर लेते हैं जल्दी से, पोल हमारे वो क्लास का पार्ट रहेगा, और ये भी देख चेक करने के लिए कितने बच्चे एक्टिवली सुन रहे हैं. तो बच्चों मैंने पोल लॉन्च किया, जल्दी से आंसर. सर आपका माइक ऑफ है. हाँ, तो लगभग 8 स्टूडेंट्स है ना, तो नंबर ऑफ पोल्स भी 8 होने चाहिए ना, 5. अभी भी 3 लोगों ने नहीं किया है. हेलो त्रिशिका, हेलो बच्चे पोल कर दिया आपने? चारू यस सर. So moving next, एक और पोल लॉन्च कर रहा हूं. बताइए, इसमें मस्ट वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि एक रीमा है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट करना है, तो उसको बायोलॉजी से मास्टर्स डिग्री करना है क्या? यस और नो? ठीक है, कोई एक बच्चा तो सुपर एक्टिव है, क्योंकि पोल लॉन्च करते ही वो आंसर कर देती है. Yes, 3 आ गए, बाकी सब लोग वोट करो बच्चे. ओके, 5, 3 लोग अभी भी मिस हो रहे हैं. So, ये तो बच्चे फॉल्स है ना, ठीक है, ट्रू नहीं है ना. देखो फिजियोथेरेपिस्ट करना है ना, तो बीएससी फिजियोथेरेपी आप 12th के बाद ही कर सकते हो, 3 साल का कोर्स है. हालांकि किसी ने मास्टर्स कर लिया है तो वो भी अब चाहे तो फिजियो, जैसे किसी ने एमएससी कर लिया है वो चाहे फिजियोथेरेपी करना, तो कोई मना नहीं, वो कर सकता है. बट मस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसने एमएससी किया है वही फिजियोथेरेपी कर सकता है. नो, तो फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको 12th के जस्ट बाद एग्जाम होता है. एग्जाम नहीं भी हो तो 12th के मार्क्स भी अगर आपके अच्छे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट लेवल के आपके गवर्नमेंट कॉलेज में तो एडमिशन हो ही जाए, और वहां पे आपको फिजियोथेरेपी जस्ट 12th के बाद कर सकते हो, 3 साल का कोर्स है. बच्चों चीजों को ध्यान से सुनो, जो भी अब अगला पोल होगा ना आपके क्लास पे होगा. मार्क्स कितने रिक्वायरमेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है. मोस्टली बच्चे ना हम लोगों से यही पूछते हैं कि सर कितने मार्क्स लेके आए ताकि एम्स में एडमिशन हो जाए. ठीक है, तो देखिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जेई की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10% में आना पड़ेगा. अगर मैं टॉप 10% की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 90% आने चाहिए आपके. परसेंटाइल का आपको आप लोग फंडा पता है कि परसेंटाइल कैसे काउंट होता है. अगर किसी बच्चे का किसी एग्जाम में 90% है, इट डजंट मीन के बच्चे ने 90% स्कोर किया है. ठीक है, तो 90% का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि जितने भी स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं उनमें 90% से आप आगे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर 1000 बच्चे किसी एग्जाम में अपियर हो और आपका 90% है, इट मींस कि आप 1000 के 90% बच्चों से आगे हो, यानी कि 900 बच्चों से आप आगे हो, यानी कि आप टॉप 10% में हो, या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि 100 के आसपास आपकी रैंक है. तो जेई मेंस के थ्रू अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको टॉप 10% में आना पड़ेगा. इनडायरेक्ट अगर उसको परसेंटाइल को वर्ड में कहो, क्योंकि जेई मेन जो रिजल्ट निकालता है परसेंटाइल निकालता है, यानी कि आपको 90% लाना होगा. अब आप कहोगे सर 90% तो बहुत हो गया? नहीं, बहुत नहीं. देखो 50% तो अगर तुम थोड़े से मार्क्स लाओगे ना, एकदम थोड़े से मार्क्स, तो भी आपका 50% आ जाएगा. क्योंकि होता क्या है कि जेई मेन में बच्चे कितने अपीयर हो रहे हैं, 17-18 लाख, तो उस 18 लाख बच्चों में करीब 8-9 लाख तो ऐसे ही आ रहे हैं, बस यूं ही कि जस्ट 12th किया है, घर वालों का प्रेशर है, या इस टाइप से होता है कि एक ट्रेंड ही बना हुआ है कि अगर पीसीएम लिया हुआ है बच्चा तो जेई का फॉर्म फिल करता ही है, या जिसने पीसीबी लिया है वो नीट का फॉर्म फिल करता ही है. तो लगभग 8 लाख तो ऐसे ही मान लो, ये एकदम कचड़ा है, उसको कोई मतलब ही नहीं, वो बस आएगा कुछ भी क्लिक विलिक करके और फिर चला जाएगा. तो वो तो समझ लो बच्चों के कितना क्वेश्चन होते हैं. अभी अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी सही कर दोगे ना, तो 50% से तो कितना ऊपर आपका रहेगा, तो 50% को तो हटाएंगे.
तो ऑलरेडी चूंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप सालों भर क्लास करते रहो यहाँ पे और जो असाइनमेंट ये सब चीजें दिया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 50% से ऊपर हो। बहुत ही इजी है 50% से ऊपर हो। अब होता क्या है कि 90 पे आना, 50 से 90 तक का सफर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, 70-75 आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो 75%। मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर में एक स्टूडेंट आया था, उसने कहा था कि सर मेरा 11th उतना कुछ खास नहीं है, अब 12th में पढ़ा हूँ तो, लेकिन मोस्टली मैं बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा हूँ, बोर्ड के लिए उसने अच्छे से पढ़ा था, तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो मैं ठीक ठाक पढ़े हुआ हूँ, बट क्या है कि अभी मुझे जेई का एग्जाम देना है और मुझे अच्छे से अपीयर होना है एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें कर रहा था। तो जब लगभग बोर्ड का एग्जाम वो दे लिया, उसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया, हालांकि अच्छे से पढ़ा था काफी, फिर भी बताओ उसका कितना परसेंटाइल आया था, 82, और आपको किसमें आना है 90% में, यानी कि लगभग लगभग 10% आपको आगे बढ़ना है। हाँ, ये अलग बात है कि चैलेंजेस क्या होते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, तो एक एक परसेंटाइल मतलब 5-5%, 3-3% आगे बढ़ना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि मान लो कि किसी रेस में आप दौड़ रहे हो, 30 लोग दौड़ रहे हैं, तो उसमें से 15 तो प्रोफेशनल रनर है ही नहीं, बाकी के 15 प्रोफेशनल रनर है, तो थोड़ा भी अगर अच्छा दौड़ लोगे तो आप 15 से तो आगे आ ही गए, थोड़ा और अच्छा कर लोगे तो उसमें भी 5 से और आगे आ गए, यानी कि 30 लोग अगर दौड़ रहे हैं तो अगर थोड़ी सी भी अच्छी प्रैक्टिस कर ली आपने तो 20 लोग तो ऑटोमेटिकली आप आगे आ जाओगे, लेकिन उस 20 के बाद एक एक को हराने के लिए फिर आपको काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही होता है, 50 से लेकर 75% तक आना मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 50% से आगे तो आप वैसे ही हो, थोड़ा सा पढ़ लिया तो 70 के रेंज में आ गए, 70 से आगे बढ़ना, 75 से आगे बढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे फिर अच्छे बच्चे मिलने लग जाते हैं, तो फिर उनको बीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट स्टिल इतना टफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अबव एवरेज पढ़ाई की है ना तो 70-75% आपको आ जाएगा, उस 75 से 90 जो 15% क्रॉस करना है ना, मेन चैलेंज वही है। ओके, तो अगर आप साल भर यहाँ पे क्लासेस करते हो, असाइनमेंट लेते हो, सारे क्विज में अपीयर होते हो और जितने टेस्ट उन सब में आपने एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट किया तो 80-85-90 आपका आ जाएगा, और 90% के अगर ऊपर हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलेगा या NIT तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो सेम उसी तरह से क्या होगा, 30% इज CUCET, यानी कि 70% लाना है। अब 70% लाना है CUCET में, 50% से आप आगे हो किसी भी एग्जाम में, अगर आप थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, थोड़ा सा अच्छा, तो 50% से वैसे ही आ जाता है। ऐसे स्टूडेंट जिसको एकदम पास के लाले थे ना और 1-1.5 महीना पढ़ा है तो उसका 60% है, जिसको 12th पास होने पे ऑफर था। तो इसीलिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने पूरा परसेंटाइल के बारे में डिटेल स्टडी किया है, तो 50% में बच्चों को मान के चलता हूँ कि वो ऑलरेडी आया हुआ है। तो CUCET में वो कितना चाहिए, 70%, 50 आप ऑलरेडी हो, 50 से 70 तक आपको आगे बढ़ना है। सेम नाटा के लिए 60% टॉप 60% में होना है आपको, और IPUCET में लगभग 80% लाना चाहिए, और 80% लाना IPUCET में इजी है, टॉप 20% में आना इजी है, टॉप 20% में इसलिए आना इजी है कि 50% से आप आगे वैसे ही होते हो, 50% से आप आगे हो, 30% बच्चों को और से आपको और आगे जाना है, और IPUCET का बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एकदम टॉप कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, नीट के लिए देखो बच्चों, जैसे तो 30% है कि नीट में अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 30% टॉप 30% में आना, यानी कि 70% चाहिए। तो 70% के लिए आप कहोगे सर 50% से तो हम वैसे ही आ गए, 20% और आगे आना, और आप कह रहे हो कि बहुत ही इजीली 70-75% आ जाए, तो फिर तो नीट का एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, MBBS में एडमिशन मिल जाना चाहिए। एक यहाँ पे पॉइंट है बच्चों कि जो हमने टॉप 30% रखा है कि आपको 70% क्रॉस करना है, तो उसमें हमने BHMS BUMS सबको रखा है, मतलब BUMS भी अगर आपको करना है, BHMS करना है मतलब होम्योपैथिक आयुर्वेदिक तब, अगर प्योरली आपको MBBS चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में तो फिर टॉप 10% में आना पड़ेगा, अगेन जेई वाली चीज, यानी कि 90% आपको लाना पड़ेगा नीट में MBBS चाहिए तो, और जेई मेन क्रॉस करना है जिससे NIT और IIT में एडमिशन मिल सके, तो फिर अगेन आपको 90% चाहिए। सीटें कितनी है ये टोटल मिला करके, देखो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अक्रॉस इंडिया तो लगभग 4.6 लाख है। तो अच्छी बात क्या है कि नंबर काफी बड़ा है, चैलेंजेस क्या है कि इसमें लगभग लगभग सभी कोर्सेस है, कुछ कोर्सेस हो सकता है कि मेन स्ट्रीम नहीं हो,
हो सकता है कुछ कोर्सेस आपकी पसंद कर रही हो कि नहीं सर ये तो मुझे एकदम नहीं, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस भी आ जाता है, IIT से आपको पता है इकोनॉमिक्स से भी ग्रेजुएशन होता है, हालांकि IIT से जो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन होता है तो उसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, लेकिन बच्चे लेते नहीं है कि नहीं हम भले IIT वाले हम इकोनॉमिक्स नहीं करेंगे हमें तो इंजीनियरिंग। तो ये 4.6 लाख मतलब सभी टाइप के सीट्स को लेकर काउंट किया गया है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और अच्छे कॉलेजेस हैं। तो जो 2500 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें मैं पूरे सीट्स को काउंट करूँ तो 4.6 लाख, उस 4.6 लाख को मैं क्या करूँ दो पार्ट में डिवाइड करूँ, यानी कि 2.2 लाख लगभग 2.5 लाख के आसपास तो सीटें ऐसी हैं कि उस कोर्स में अगर एडमिशन चाहिए, मतलब जिस कोर्स को ऐड करके 2.5 लाख सीट हो रहा है ना उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो आपको 11th 12th दोनों आना चाहिए। और लगभग 2.4 लाख कोर्सेस ऐसे हैं, मतलब ऐसे कोर्सेस जिसको अगर मैं काउंट करूँ टोटल सीट्स को तो 2.4 लाख हो रहा है, तो उनके लिए सिर्फ 12th आना चाहिए, सिर्फ 12th। यानी कि अगर आपने 12th भी अच्छे से पढ़ाई की है ना तो 2.4 लाख सीट्स हैं पूरे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाकर। तो सोचो 18 लाख बच्चे दे रहे हैं उसमें से लगभग 2.5 को 3 मान लो 1/6 में आपको आना है, यानी कि हर 6 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो इतना तो बच्चे आप आ ही सकते हो ना। सो अब अवंती आपको कैसे हेल्प करेगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी, जैसे आप आज से स्टार्ट भी हुआ है, वीकली टेस्ट होता है और टेस्ट का रिपोर्ट ऑन टाइम सबमिट होगा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम DPP दिया जाएगा और थोड़ा चल करके, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं क्योंकि स्टार्टिंग बच्चों को उसमें डाउट होते नहीं है, थोड़े से टॉपिक थोड़े चैप्टर खत्म हो जाएगा तभी डाउट सॉल्विंग सेशन स्टार्ट होगा। तो डाउट सॉल्विंग सेशन थोड़ा रुक करके स्टार्ट होगा, अभी से आपको DPP दिया जाएगा, लाइव क्लासेस चलेंगी, वीकली टेस्ट होगा, उन टेस्ट का रिजल्ट टाइम टू टाइम आपको देना है। हर वीक क्या होगा, हाँ क्लास के बारे में बच्चों ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, जब हम सेशन 1 ले रहे थे ना तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो किसके लिए आया है, क्लास के लिए, कि सर कब कब चलेगा, डेली चलेगा, अल्टरनेट चलेगा। तो यहाँ आंसर बच्चों 3 क्लासेस पर वीक चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वगैरह को मिला के, मतलब हर वीक फिजिक्स की 3 क्लासेस, केमिस्ट्री की 3 क्लासेस और मैथ्स की 3 क्लासेस, यानी कि अल्टरनेट डे। तो या तो आपकी क्लासेस TTS होगी या MWF होगा, और उन सब क्लासेस में DP प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे तो वीकली टेस्ट होता है, लेकिन अभी क्या होगा ना, आपको इस 6 वीक्स में हम आपको 4 टोटल टेस्ट लेने होंगे। अभी पता है कि जितने सारे बच्चे लगभग कहा ना कि 15,000 के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया है और उनकी क्लास अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, तो थोड़ी सी रीशफलिंग भी होगी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दैट टेस्ट। तो अभी स्टार्टिंग के 4 वीक आपको काफी अच्छे परफॉर्म करना है, यही आपका बैच साइज डिसाइड करेगा कि कौन से बैच में आप लोग जाने वाले हो, क्योंकि अगर आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया तो उन सभी बच्चों का एक फिर क्या बनेगा, एक बैच बनेगा। कहा ना कि वैसे तो हम लोग सिर्फ 12th पढ़ाने वाले हैं, लेकिन और 1-2 बैच या 3 बैच या 4 बैच ऐसा बन गया जिसमें बच्चे इतने सिंसियर हो कि उनका कहना है कि सर हम 12th पढ़ लेंगे, काफी अच्छे से लोग पढ़ लेंगे आपके साथ, और हम थोड़ा और भी टाइम देने को वो अभी रेडी हैं, आप हमें टाइम टू टाइम या इस टाइप से शेड्यूल बनाओ कि मैं 11th का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज कर दूं तो उसमें 11th भी पढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें पता है किस पर डिसाइड होगी, ये अभी जो 4 टेस्ट आपके 2 टेस्ट आपके होने वाले हैं, अभी जो क्लासेस चलेंगे ना, एक आपका टेस्ट होगा 2 क्लासेस के बेस पे, और फिर 2 क्लासेस पे एक आपका टेस्ट होगा, यानी कि हर 2 वीक पे अभी आपका एक टेस्ट होना है, और उस टेस्ट रिजल्ट से आपका बैच और पूरे 12th का साल डिसाइड होने। तो अभी स्टार्टिंग में आप लोग काफी एक्टिव रहिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आइडल है, पोल में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे, मतलब जस्ट ज्वाइन है और आइडल पड़े हुए, तो सोचो फिर आपको कैसा बैच मिलेगा और आप कैसा और टेस्ट में परफॉर्म कर पाओगे। तो स्टार्टिंग के बच्चे ये 1 महीने आपको काफी अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि इधर 1 महीने जो पढ़ाई होगा, हर 14 दिन के बाद आपका क्या होगा, एक टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा, और 2 टेस्ट में जिसने एकदम टॉप जो 100 बच्चे होंगे फिर उस टाइप का एक बैच बनते जाएगा। तो सोचो पूरे दिल्ली से जो हमने 15,000 बैच लिए हैं और उसमें टॉप 100 स्टूडेंट्स का जो बैच वो बैच बनेगा, तो कितना जबरदस्त बैच बनेगा और कितना अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोग एक्टिव रहिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। सो इसके अलावा और क्या प्रिपरेशन कर सकता हूँ, सो देखिए, एक तो हमने कहा ना कि जो आपका मॉड्यूल होगा तो उसकी सॉफ्ट कॉपी तो हम सबको देंगे, यानी कि जो मॉड्यूल होगा एज ए PDF फॉर्म में तो सबको जाएगा। तो पहले हम सभी बच्चों को हार्ड कॉपी भी देते थे, लेकिन होता क्या था ना कि इतना पेपर वेस्ट होता था, उसका रीजन क्या है,
मतलब 50% तो बच्चे ऐसे है ना कि जैसे अभी कैसे क्लास ज्वाइन करके बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पढ़े रहते हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं क्लास से। तो सोचो क्लास की जब ये हालत है तो जो हम हार्ड कॉपी भेजते थे ना तो कभी टच किया ही नहीं, जैसे गया एकदम वैसे ही पढ़ा रह गया पूरे टाइम उनके घर पे और फाइनली वो रद्दी में बिक गया ऐसे। तो इसीलिए इस बार हम क्या करेंगे कि प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल पहले हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ऐसे स्टूडेंट है जो एकदम एक्टिवली क्लास कर रहे हैं, जो बिल्कुल सिंसियर है, जिनका अपना एक एम है कि मुझे 12th के बाद एकदम ऐसे कॉलेज में एडमिशन में जाना है, उस टाइप के बच्चों प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल बस उन्हीं को, और उनके लिए फिर एक्स्ट्रा क्लास बताया ना कि हम 11th की भी क्लासेस दे सकते हैं डिपेंडिंग, तो एक्स्ट्रा क्लास भी उन्हीं बच्चों के लिए फिर लगेगा। और पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं, पहले हम 2 दिन लगा देते हैं मंडे और वेंसडे को, इस बार देखो कितने दिन, हो सकता है कि 3 दिन लगे, कि अलग से एक ऐसा क्लास लगेगा जिसमें टीचर आके ऐसे ही आपको रहेंगे, टाइम देंगे 1 घंटे या 2 घंटे का, स्टूडेंट्स आएंगे अपने डाउट्स पूछेंगे और चले जाएंगे, उसी को कहा जाता है पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है आप आओ क्वेश्चन पूछो टीचर से, तो पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन फिर उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो एकदम रेगुलर क्लास जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं और टीचर के फीडबैक पर डिपेंड करेगा। सो अब बाकी थोड़ी बहुत चीजें हैं उसको देखना भी जरूरी नहीं है, आगे हम लोग देखना कहा ना कि टाइम टू टाइम आपको करियर से रिलेटेड चीजें अवेयर कराते रहा जाएगा, तो इतना सफिशियंट टाइम है, मुझे लगता है कि अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ओके ये सर नो बच्चों ठीक है एनफ टाइम हो गया, क्योंकि वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि 10-15 मिनट पहले खत्म हो जाता, लेकिन वो परसेंटाइल बताना जरूरी है क्योंकि होता क्या ना कि बच्चों को परसेंटाइल के बारे में नहीं मालूम होता है, तो 80% सुनकर उनका हालत खराब हो जाता है कि 18-20 लाख बच्चे हैं और उसमें से लगभग 80-90% बच्चों से आगे आना पड़ेगा तो वही उनका दिल बैठ जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 25 25 75 क्वेश्चन आते हैं ना, और 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का होता है ना, उस 300 मार्क्स जो जेई मेन का एग्जाम होता है 50 नंबर लेके आओ, 50 सिर्फ 50, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपका जो परसेंटाइल बनेगा ना 50% से काफी आगे होगा, 50% से काफी आगे होगा आपका 50% और वो 50 मार्क्स अगर लेके आना 300 में से मैं बता रहा हूँ जेई मेन का एग्जाम में, तो अराउंड आपका 60% बनेगा या उससे ऊपर ही बनेगा, हो सकता है 65% बने जस्ट 50 नंबर पे, तो आप 50-60% तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलो कि मैं थोड़ा भी अच्छा करूंगा तो 60% तो वैसे ही है, 60% वालों को तो कुछ होता भी नहीं, तो अब 60% से मुझे 90% ये 30% आगे बढ़ना है। बट चैलेंजिंग क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो वैसे वैसे अच्छे बच्चे मिलते जाएंगे, तो उनको बीट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब 80 के बाद 90 जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है चलो चलो डोंट वरी, करेंगे हम लोग सारी क्लासेस, आप लोग अटेंड करो क्लास, कौन कौन है, हर्षिता, रितु, तमन्ना, कशिश, दीक्षा, शगुन, अच्छा आप त्रिशिका हो ना, यस सर, ओके ठीक है, तो अभी 4 क्लासेस आपकी, वो हर वीक आपके 3-3 क्लासेस लगेगी ना, फिजिक्स की 3 और केमिस्ट्री की 3, मैथ्स की 3, ओके सो अभी हम लोग देखेंगे बच्चों 11th का एक टॉपिक हम लोग रिवाइज करेंगे जस्ट, और उस पर बेस्ट टेस्ट होगा, रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ना हम लोग टेस्ट के थ्रू ये देखना चाहते हैं कि 11th की चीजों को आप कितना ग्रैप कर पाए हो, या जो आपको पढ़ाया गया है या अभी भी आप 11th में होते हो और पढ़ाया जाता तो कितना आप ग्रैप कर पाते हो और उस पर बेस्ट कितना आप टेस्ट में परफॉर्म कर पाते हैं। तो दो दो टॉपिक बस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने पिक किया है, उसके 2 टॉपिक पढ़ाया जाएगा यानी कि 2 क्लासेस लगेंगी, और एक लिमिट मैंने पिक किया है, तो लिमिट की आपकी 2 क्लासेस लगेंगी, 2 क्लासेस में 2 अलग अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा। लिमिट तो मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है कि लिमिट के बेस पे ही आपको पूरा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा, पूरा कैलकुलस जो 12th में आप पढ़ने वाले हो, कैलकुलस के लिए सबसे अच्छी बात बता दूं कि अगले आपका जो 12th का पेपर होगा ना तो 37 मार्क्स का आपका क्या होगा, सिर्फ कैलकुलस, 37 मार्क्स जस्ट कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, ये सारी चीजें अकेले 37, यानी कि सिर्फ कैलकुलस जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया पास है वो, कितना पावरफुल टॉपिक है ये, तो कैलकुलस समझने के लिए लिमिट आना बहुत ही अच्छे से जरूरी है, जिसको लिमिट नहीं आएगा हर कदम पे उसको कैलकुलस में प्रॉब्लम होगी, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तो थ्रू आउट द आपको ये चाहिए, कोई भी एग्जाम दे लो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, चाहे हम गवर्नमेंट एग्जाम दो, MBA करना हो, फॉरेन में पढ़ाई करनी जिससे GRE करना हो, और इधर
किसी भी टाइप के एग्जाम हो जिसमें अगर मैथ्स आता है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आएगा ही आएगा। तो एक तो ये वैसे ही आपको पूरी लाइफ चेज करने वाला है। दूसरी बात कि ट्वेल्थ में आपको एक टॉपिक आएगा प्रोबेबिलिटी करके, 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है और IIT मेन में भी हर बार आता है। तो प्रोबेबिलिटी में एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो सीधे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी आए। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि 5 boys and 5 girls आर देयर, तो इन हाउ मेनी वेज बॉयज एंड गर्ल्स कैन सिट अल्टरनेटिवली, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को वो अगर चाहे तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना सकता है, एक लाइन ऐड कर देगा और 12th में पूछा जाएगा। तो 12th में इसी क्वेश्चन को पता है कैसे पूछा जाएगा कि 5 boys and 5 girls आर देयर एंड दे सिट इन ए रो, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। वहां पे सीधे नंबर ऑफ सिचुएशन पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेज बॉयज एंड गर्ल्स कैन सिट अल्टरनेटिवली, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी। तो 11th में आप क्या करते थे, कितने तरीके से बैठ सकते थे, तो फैक्टोरियल 5 × 5 × 2। अभी भी यही करना है, फैक्टोरियल 5 × 5 × 2। फर्क क्या हो जाएगा कि ये तो हो गया आपका फेवरेबल, टोटल कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10। तो प्रोबेबिलिटी के नाम पे क्या आ गया, अब सिर्फ टोटल से डिवाइड करना है। तो 10 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो फैक्टोरियल 10 डिवाइड हो जाएगा। तो एक बस नई चीज क्या जुड़ जाएगी कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी चीजें सेम रहेंगी। तो इसलिए भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको सेशन 1 में कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना काफी इजी हो जाता है क्योंकि हम एनिमेशंस, वीडियोस, GIF की सारी चीजें यूज करते हैं। आप लोग कुछ पूछ रहे हो क्या रितु, आप लोगों का हैंड रेज है। चलो, हर्षिता ने भी हैंड रेज किया हुआ है। ओके,